तो यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, ये सारे जो सेक्टोरियल इंडेक्स हैं उनमें गिरावट बढ़ती जा रही है। आपके सामने मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी 808 पे ट्रेड कर रहा है जबकि लो बनाया है 773 का। ऐसा ही आटो में भी लो बने हुए हैं। मोटा मोटी अगर आप देखते हैं तो मात्र मुझे एक इंडेक्स दिख रहा है निफ्टी आटो, जो कि अभी फ्लैट है। इसको भी आप पॉजिटिव नहीं मान सकते क्योंकि ये भी 35 का लो लगा के आया है और अभी फ्लैट पे काम कर रहा है। पूरे इंडेक्स में आप देखेंगे कितना जो भी है, जैसे निफ्टी रियलिटी है, प्राइवेट बैंक है, PSU बैंक है, फार्मा, मेटल, मीडिया, IT, FMG, फिनांशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक, सारे के सारे सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिख रही है PSU बैंक में, जहाँ 1.5% है और उसके भी ज़्यादा। निफ्टी मीडिया में आप देखिए 5% की गिरावट है निफ्टी मीडिया में। अब देखते हैं हम निफ्टी मीडिया में जो शेयर्स हैं उनमें आज क्या हालचाल रहा। 15 शेयर में थी जो 10 शेयर हैं उनमें डिक्लाइन है और 4 एडवांस में है। अब सॉरी, मैं आपको बताता हूँ कि जो आज का है उनमें डिक्लाइन किसमें सबसे ज़्यादा है। डिश टीवी देखिए 11% नीचे है, सन टीवी भी उसी का साथ दे रहा है 10% नीचे है, झील 4% नीचे है, INX का 2.5% के नीचे है, 2.25%, PVR भी नीचे है, TV18 भी नीचे है। मोटा मोटी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं सब अच्छे खासे नीचे हैं। डिश टीवी, सन टीवी और झील ने मार्केट को ज़्यादा ही, पर्टिकुलर इस सेक्टर को ज़्यादा ही नीचे ले लिया है। अब इसके बदले में आप देखेंगे जी मीडिया ऊपर दिख रहा है आपको 4, हालांकि दोनों जी एक ही स्वामित्व को बिलोंग करती है लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। बालाजी टेलीकॉम भी ऊपर चल रहा है, सारे गमा ऊपर है लेकिन मोटा मोटी डाउन में ही है सारे इंडेक्स। और हम देखते हैं वापस क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको। ये हमने रिफ्रेश कर लिया है, हल्का सा 20-25 पॉइंट ऊपर आया है बैंक निफ्टी। जो अभी मैं आपको दिखा रहा था बैंक में ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इसमें फ्लैट चल रहा था, ये भी माइनस में आ गया, यानी कि अब सारे के सारे इंडेक्स माइनस में दिख रहे हैं दोस्तों। तो जो भी ट्रेड लें सोच समझ कर लें, अपना एनालिसिस करें सोच समझ कर करें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों।